जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो टॉपिक है जो कि कोई भी पेपर देंगे आप उसमें पूछा ही जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी, यूपीपी और भी कई परीक्षाएं जो हैं उनमें से सभी में पूछा जाने वाला ये टॉपिक एक है। तो देखेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे कह दिया जाए अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो ये अनुपात का मतलब होता है कि जैसे हम कह दें कि 2:3, तो ये क्या है दोस्तों, अनुपात है। अब जैसे हम लिख दें यहाँ पे 3:6, तो क्या ये नहीं है, ये भी है। दोस्तों एक चीज़ बताइएगा, यदि हम यहाँ पे किसी संख्या से गुणा कर दें, जैसे हम 4 से कह दें, 4 से गुणा कर दें और 4 से यहाँ भी गुणा कर दें, तो ये कितना बन जाएगा 8, और इधर कितना बन जाएगा 12। तो दोस्तों अभी ये वही लिखा है या चेंज हो गया है, तो आप कहेंगे वही लिखा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको काटेंगे फिर से तो पुनः से हमारा ये मूल जो पहले का अनुपात था वही प्राप्त होगा। काट के देखिए दोस्तों, 4 से 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12, तो वही निकल के आया जो पहले वाला। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अनुपात जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कह दिए आपसे इसी में से और भी किसी संख्या से गुणा करा दें, 10 5 से करा दें, यहाँ भी 5 से कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 15। फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 ही आएगा। तो अनुपात कभी बदलता नहीं है। जैसे आपसे कह दें कि 1:B 3:4 है, दूसरा जो दे दिया जाए 2:C 8:9 है, तो यहां पे हम देखेंगे अब बी का मान यहाँ 4 है और यहाँ बी का मान कितना है 8 है, तो कभी ऐसा क्या हो सकता है कि बी के दोनों जगह अलग अलग मान हों? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को समान कर देंगे, एक जैसा करेंगे, बराबर कर देंगे। तो जब एक जैसा बराबर हो जाएगा, समान हो जाएंगे दोनों के मान, तो क्या करेंगे हम, तब हमारा अनुपात आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पे हमको 1:B 1:C निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ करेंगे तो इस पूरे में करते हैं, फिर 2 से यहाँ किया, 2 से यहाँ भी करेंगे, जैसे ही करेंगे तो 2 3 कितना 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर कितना था 8 और 9 था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ भी 8 है बी का मान और यहाँ भी बी का मान 8 है, तो क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 6 है, बी का मान 8 है और सी का मान 9 है, तो ए बी सी के मान हमारे निकल जाएंगे। यहीं पे यदि दोस्तों हम कहें आपसे कि ए का मान जो है ए अनुपाते बी जो दिया है आपका 5:9 दिया है, और यहाँ सी अनुपाते बी जो दिया है 17:23 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि a:b:c क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे b और b कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखो दोस्तों आगे पीछे हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, देखेंगे यहाँ b और b यहाँ हो गया है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इन्हीं को बराबर करेंगे, तो यहाँ b 27 है, यहाँ b 9 है,
अब हमें बराबर करना है तो इस 9 में किससे गुणा करें कि ये 27 हो जाए, तो बोलेंगे 3 से। 3 से जैसे यहाँ पे किया और वैसे यहाँ भी करेंगे, क्योंकि अनुपात नहीं तो बदल जाएगा। देखेंगे गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारा बी का मान यहाँ भी 27 है और बी का मान यहाँ भी 27 है, तो बस लिख देंगे अनुपात, ए का मान 15 है और बी का मान 27 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 17 हो जाएगा। तो क्या यही आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, आपका अनुपात जो निकल के आएगा 15 27 17। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं ऐसे ही अनुपात में, जैसे आपको दे दिया जाए ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। ए अनुपाते बी आपको 3:4 दे दिया जाए और बी अनुपाते सी 8:9 दे दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बी के मान बराबर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसको तो हमने बता ही चुके थे, अभी ऊपर बताए हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपका ए का मान हम 5 दे देते हैं, ए का मान कितना देते हैं, 5 देते हैं, और बी को 6 कर देते हैं। यहाँ बी और सी का जो अनुपात है यहाँ 5 कर देते हैं और ये कितना, 7 कर देते हैं। दोस्तों काट के दोबारा लिखते हैं दोस्तों कि ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी। तो इसका जो अनुपात दिया है 5 और 6 मान लेंगे दिया है, और दूसरा देते हैं 5:7। अब हमें क्या करना होगा, बी के मान ये बराबर करने होंगे। तो बी के मान देखेंगे यहाँ 6 है यहाँ 5 हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पे 6 से कर दें तो 5×6=30 और 6×5=30 बराबर हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन 5 से यहाँ किया है तो 5 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, और 6 से यहाँ किया है तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा। गुणा करेंगे ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30। यहाँ भी 30 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे बी के मान कामन हो गए दोनों, तो एक बार लिख देंगे, सी का कितना हो जाएगा, 42। तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 25 30 42। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप जानेंगे तो क्वेश्चन लगाते समय क्या होगा, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन लगेंगे। चलिए अगला इसी में देखते हैं, जैसे आपसे कह दें ए अनुपाते बी दिया हुआ है आपका 12:13। ठीक है, और सी अनुपाते बी दिया है 15:26। तो यहाँ पे देखेंगे सी यहाँ पहले आ गया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, बी के मान बराबर करेंगे। अब यहाँ हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि बी का मान आगे पीछे हो गया है, यहाँ पीछे आ गया है यहाँ पे, तो बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बी कितना है, 13 है, और यहाँ पे बी कितना है, 26 है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 13 में किससे गुणा कर दे, 26 हो जाए, 2 से। और जैसे ही 2 से यहाँ हमने गुणा किया तो पूरे में करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कर देंगे 2 से गुणा, और जैसे ही करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना दिया, 15 दिया हुआ है और ये 26 दिया हुआ है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 24, और बी का मान ये यहाँ है, 26 ये था और 26 बी का यहाँ भी था, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 26। सी क्या बचेगा, 15, तो लिख देंगे 15। तो ए बी सी का जो अनुपात आएगा हमारा कितना आएगा, 24 26 15। और भी मेथड होते हैं दोस्तों,
उनके भी आगे चल के जान लेंगे, लेकिन बेसिक है बिल्कुल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुपात हो जाएंगे। और जैसे एक देते हैं आपको, ए अनुपात बी 3:4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी 6:7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी कितना 3:4 दिया है और बी सी कितना दिया है 6:7 दिया है। दूसरे तरीके से भी तो देख लेते हैं इसको, इधर से भी लगाएंगे इसको। अब क्या करते हैं, इसमें रूल होता है जिसके सामने जो जगह खाली पड़ी होती है उसी का कब्जा करा देते हैं दोस्तों। तो ये जगह जो खाली पड़ी थी किसके सामने थी, ये 4 के सामने, तो यहाँ 4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे ये जो जगह खाली पड़ी है किसके सामने है, 6 के, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सभी को गुणा कर देंगे। यहाँ 36 कितना हो जाएगा 18, और 4×6 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 7×4=28। दोस्तों ये अनुपात कितना निकल के आएगा, 18, 24 और 28। यदि ये संख्या भी किसी से कटने वाली होती है तो और काटते हैं, तो कटेगी किसी से, 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे कितना 12, और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14। तो दोस्तों जो रियल का अनुपात हमारा आएगा निकल के 9, 12, 14 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको जाना है, आगे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों फिर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 11:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:19 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान क्या होगा इनका, तो लगाएंगे वैसे ही दोस्तों। वैसे तो इसको हम ऑप्शन से बहुत आसानी से लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम मेथड देख लेंगे कि मेथड इसका क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब यहाँ देखेंगे कि ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 11:7 दिया हुआ है, बी अनुपाते सी कितना दिया हुआ है 5:19 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो 7 है और यहाँ क्या है 5 है। या तो आप इसके सामने की जगह खाली पड़ी है तो इसका कब्जा करा दें, या फिर डायरेक्ट गुणा कर दें। तो क्या करेंगे, कब्जा करा देते हैं इसका। तो यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ क्या होगा कि आपस में दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों। यहाँ गुणा करेंगे 11×5=55 हो जाएगा, और यहाँ 7×5=35 हो जाएगा। तो अब पूरा यहाँ गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन कट रहा है यहाँ। तो यहाँ 55 और 35 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 55 35 35 55 35 133 55 133। तो अब पूरा गुणा करें, जब गुणा करेंगे 19 और 7 का, तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 133 भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि दोस्तों ऑप्शन से करना चाहें तो आप देखेंगे कि ए अनुपाते भी कितना है, 11:7 है, तो आपका जो आंसर दिए होंगे वो हमेशा 11:7 का अनुपात ही होगा बी और ए और बी का, क्योंकि अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और सी अनुपाते बी बराबर 5:6 है तो ए बी सी का मान क्या होगा अनुपात में। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, लगाइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, देखेंगे ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे बी अनुपाते सी नहीं दिया हुआ है, ये सी अनुपाते बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो यहीं से गलतियाँ हो जाती हैं, तो आंसर नहीं आता है फिर दोस्तों, क्योंकि हम मान उल्टा रखेंगे तो आंसर कहाँ आएगा। यहाँ देखेंगे
बी अनुपाते सी ना देके सी अनुपाते बी दिया है, तो बी का मान कितना यहाँ पे हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही करेंगे, इसके 3 के सामने जगह खाली पड़ी है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ 6 के सामने जगह खाली पड़ी है तो 6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और एक चीज़ जानेंगे कि यदि कोई संख्या कट रही है आपस में तो काटते भी हैं इसको। जैसे यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 6, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 6, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, जो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और इस 6 में भी 3 है, तो कट जाएगा ये 2 बार पे। तो जो कटता है उसे हम दोस्तों काट देते हैं, बाकी गुणा करके अपना लिख देते हैं। तो देखेंगे 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी सी का मान जो आएगा आपका 4 6 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6a = 4b = 9c तो ए बी सी का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6a = 4b = 9c, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले 6 4 9 का एलसीएम लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 6 4 9 का एलसीएम लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा काटने के बाद अनुपात। तो यहाँ देखेंगे कि आपको और आसान तरीका से करना है, तो आपको क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको निकालना है, जैसे ए निकालना है तो ए को हम ढक देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ढक देंगे तो क्या दिख रहा है, बी और सी के मान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए को निकालना, जिसको निकालना होता है उसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, बाकी क्या बचा, बी और सी के मान। तो यहाँ बी और सी के आपस में गुणा करेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। अब बी का निकालना है तो थोड़ी देर के लिए बी को भूल जाएंगे, ए और सी का गुणा कर देंगे, 9 और 6 गुणा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा दोस्तों। सी निकालना है तो सी को गुणा नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको किसी चीज़ से ढक देंगे, क्या बचेगा, ए और बी यहाँ गुणा कर देंगे, 4 6 कितना हो जाएगा, 24। तो अब यहाँ देखेंगे हम, क्या कोई ये अनुपात में दिया हुआ है, तो देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसे अभी हम काटेंगे, 6 से काट के देखते हैं, 6 से काटेंगे 36 6 बार में, 9 बार में 6 9 54, और ये कितना, 6 6 24। तो देखेंगे ये अनुपात निकल के हमारा काटने के बाद आया, क्यों काटा हमने, क्योंकि अनुपात में तब तक काटते हैं जब तक संख्या सभी कटती हैं किसी एक संख्या से, ठीक है। तो देखेंगे 6 9 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन वैसे ही है दोस्तों, देखेंगे यदि 6a = 11b = 7c है तो ए बी सी का जो अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो लगाएंगे इसे भी दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ से ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब आप देखेंगे कि निकालना है मान, तो हमने बताया था जिसका निकालना होता है उसको ढक देते हैं दोस्तों, ए का निकालना है तो ए को ढक देंगे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, बी और सी दिख रहे हैं। तो 11 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। आगे देखेंगे बी का निकालना है तो बी को ढक देंगे, 6 और 7 का गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब सी का निकालना है तो सी को ढक देंगे, और क्या बच रहा है, ए और बी का गुणा कर देंगे, ये कितना आएगा, 66 आएगा दोस्तों। यहाँ पे किसी संख्या से हम काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो कटने वाला तो है नहीं कोई, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 11 77 42 66, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन से भी आप करना चाहेंगे तो आपका आसान पड़ेगा दोस्तों, कैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 6a = कितना दे रहा है, 11b। यदि हम देखें a और b के मान क्या होंगे, तो यहाँ a अपनी जगह पे है, कोई चीज़ गुणा में होती तो कहाँ आती है, भाग में, 11 जो है अपनी जगह पे है और ये 6 भाग में आ जाएगा, तो
तो यहाँ से a अनुपाते b मतलब a बटे b का मान कितना, a का मान 11 हो जाएगा, b का मान 6। तो देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसे हम काटें तो हमारा अनुपात 11:6 आए। यहाँ काटेंगे तो 11×6=66 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन a का मान 6 आना चाहिए था। यहाँ काटेंगे तो 11×6=11, 7 ये कट देंगे, 7 से काटेंगे तो ये 11 आएगा और ये 6, क्योंकि 11×7 करेंगे 6×7, ठीक है दोस्तों, 7×42 हो जाएगा, 7×42 हो जाएगा। तो कौन सा अनुपात निकल के आ रहा है किससे, इस बी ऑप्शन से आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ अनुपात दिया है, तो जब कभी भी संख्या का अनुपात दे तो उनके साथ हम क्या करते हैं, यक्ष लगा देते हैं, तो क्या होता है, संख्या निकल आती है। तो ये हो जाएगा 2x, ये 3x और ये 5x, ये तीनों संख्याएं हो गई। कह रहा तीनों का योग जो है कितना है, 275 है। आप यहाँ जब तीनों को जोड़ेंगे 5, 3, 2 तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 275। अब यहाँ पे यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 10 भाग में जाएगा, तो भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका मान जो यक्ष का आएगा 27.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूछ क्या रहा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 27.5 गुणे क्या करेंगे, 5 करेंगे दोस्तों। जैसे ही गुणा करेंगे तो 5×25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5×7=35, 36×37 हो जाएगा, और फिर 5×2=10, 10×2=12, 3 बचा था हासिल, तो 5×2=10, 10×3=13 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाना है, लगा देंगे यहाँ पे हम, तो कितना आएगा, 137.5, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पे ऑप्शन से जैसे करेंगे तो लास्ट में पूछ क्या रहा है, 5, बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो आप देखेंगे जो संख्या 5×5 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन होंगे। बाकी क्या होंगे, दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी कर सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। और कह क्या रहा है आपको, यक्ष का मान कितना निकल के आया, 27.5, तो वैसे भी 27.5 का 5 गुना करेंगे तो 100 के तो ऊपर हो जाएगा, 25×6=100 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा। आपसे दोस्तों इनके वर्गों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो लगाएंगे। अब हमने बताया जब ये संख्या अनुपात में कभी दे तो हम क्या करते हैं, इनके साथ यक्ष लगा लेते हैं दोस्तों, संख्याएं मिल जाएंगी कितना, ये 1x और कितना हो जाएगा, ये 5x। अब कह रहा है इन दो संख्याओं का अनुपात कितना और उनका गुणनफल, तो दोस्तों जब हम 5x और यक्ष का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 5x² हो जाएगा, और जो कि आपको दिया कितना है, ये 320 दिया हुआ है। आप काट देंगे 5 से तो 5×30 हो जाएगा और 5×20, यक्ष स्क्वायर का मान 64 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर अंडर रूट का 64, तो यक्ष बराबर कितना, 8 आ जाएगा दोस्तों, तो यक्ष का मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो संख्याएं जो निकल के आएंगी यहाँ पे, संख्या क्या होगा, ये 8 और कितनी हो जाएंगी, 5 और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 का वर्ग, कह रहा है इनके वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 2 जीरो लगा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1600। अब देखेंगे अंतर कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 1600 में से
64 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जैसे ही 64 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका, घटा लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे देखेंगे और बचे कितना, 5, 1, 15, 36 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर कितना आएगा, 15, 36। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, 36 होना चाहिए यहाँ पे, कितना दोस्तों, 15, 36, ठीक है, इसको कर लीजिएगा 36 थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही है, 15, 36 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 15, 36 जिन साथियों को आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, जैसे कि SSC GD, MTS और भी कांस्टेबल, जो भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो दोस्तों क्योंकि देखा जाए तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न पर बताया जाए तो और आसानी से चीज़ें हो पाती हैं पेपर में। तो क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों, लगाइएगा आप लोग इसको। चलिए देखते हैं, कह रहा है दूसरी और तीसरी का संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ ये दूसरी और तीसरी संख्या, इनका अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 9:13 दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है और पहली और तीसरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, पहली और तीसरी का अनुपात जो दिया है 2:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहली अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते तीसरी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितना दिया हुआ है और यहाँ कॉमन भी चीज़ें क्या मिल रही हैं, 13 मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या, थोड़ा सा समस्या हो सकती है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये कॉमन वाले को बीच में रख लेना है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो लगने को तो लगेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहला सॉरी दोस्तों, फिर लिखेंगे तीसरा और यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा, ठीक है दोस्तों। अब लिख लेंगे पहला कितना है, 2 है और यहाँ ये कितना है, तीसरा 7 है, ठीक है दोस्तों। आगे ये 13 है और ये कितना है, 9 है। अब हमें क्या करना होगा कि आपस में यहाँ जिसके सामने जो जगह खाली होगी उसको बिठा देंगे, यहाँ 7 के सामने है तो 7 को बिठा देंगे, यहाँ 13 के सामने है तो 13 को बिठा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कर देंगे, तो 13 दुना कितना हो जाएगा, 26, ये कितना हो जाएगा, 13 सप्ते कितना होता है, 93 होता है और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 सप्ते कितना होता है, 63 होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अभी हमने बताया था जब कहीं पे योग दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो आपको क्या करना होगा कि जो संख्याएं दी हैं उनमें से आपको यक्ष लगा लेना होगा। तो देखेंगे कि दोस्तों यह हो जाएगा 26 यक्ष, ये हो जाएगा 91 यक्ष और ये हो जाएगा 63 यक्ष। आप सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 4, 10 और ये कितना हो जाएगा, 8, 8, 16, 1, 17 और एक हासिल आया था 18। तो दोस्तों 180 यक्ष हो जाएगा, जो कि इसका इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 540 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट लेंगे यहाँ से दोस्तों, और 18 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 नहीं कितना होता है, 54 होता है दोस्तों। तो यक्ष का मान जो आपका निकल के आएगा 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा क्या है,
तो तीसरी संख्या क्या है? यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या क्या है? 63 थी, क्योंकि 63 यक्ष था हमारा, तो 63 यक्ष। यक्ष का मान कितना निकला हमारा? 3 है, तो 63 गुणे 3 करेंगे तो 3 तरह के 9 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर कितना होना चाहिए? तीसरी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी तीसरी आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ना कि दूसरी, क्योंकि हमारा जो ये दूसरा संख्या था, ठीक है दोस्तों, तीसरी आपसे पूछ रहा है, तो तीसरी निकालेंगे ना कि दूसरी, ठीक है दोस्तों। देखेंगे तीसरी क्या है हमारी, यहाँ पे तीसरी संख्या 91 यक्ष है, ठीक है दोस्तों। तो यक्ष का मान 3 है, तो 91 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3 9 × 3 27, तो आपका आंसर 273 आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो लगाएंगे दोस्तों इसको भी वैसे ही, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, सबसे पहले हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना होगा। तो देखेंगे यहाँ कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो पहली संख्या आपकी ए मान लेंगे, दूसरी बी, तीसरी सी, तो इनका अनुपात जो दिया है 5:7 दिया हुआ है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी? 5, और तीसरी कितना है? 3 है। यहाँ पे हमने बताया था जिसके सामने जगह खाली पड़ी होती है उसे बैठा देते हैं, तो 7 के सामने है तो यहाँ 7 बिठा देंगे, यहाँ पे 5 है, 5 के सामने पड़ी हुई है तो क्या बैठा देंगे? 5 को बिठा देंगे। अब देखेंगे आपस में गुणा कर लेंगे, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा अनुपाते, 7 × 5 करेंगे तो 35 होगा अनुपाते, 7 × 3 करेंगे तो 21 होगा। तो आपका जो अनुपात निकल के आएगा 25:35:21 निकल के आएगा। अभी हमने बताया था यदि संख्याएं पूछे तो क्या करना होता है, सभी के साथ यक्ष लगा देते, तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी 25 यक्ष, दूसरी आ जाएगी 35 यक्ष और तीसरी आ जाएगी 21 यक्ष, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों संख्याओं का योग जब हम करेंगे तो देखेंगे 25x + 35x + 21x बराबर जो दिया है आपको 162 दिया है दोस्तों। जब हम जोड़ेंगे इन्हें तो कितना आएगा? 81 यक्ष आएगा, और 81 यक्ष बराबर कितना होगा? 62 होगा। यहाँ पे यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 162/81। तो दोस्तों कितने बार में कटेगा? 2 बार में ये कट जाएगा, तो यक्ष का जो मान होगा 2 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हम बताएंगे। कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारी कितनी है? 35 यक्ष है। अब हम 35 गुणे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज हमने बेसिक चीज़ें जान लिया है, अब जब कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हमने कराया है बिल्कुल बेसिक लेवल से और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हमने कराया है दोस्तों। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जितना अधिक आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही आगे हम और अच्छे से वीडियो बना पाएंगे दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।